सो गाइस आज की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो गाइस आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव लेकर आ चुका हूँ। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको टोटल 25 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि अभी चेंजेस होने वाले क्लैश ऑफ क्लैंस में अपडेट के बाद। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस वैसे यहाँ पर अपडेट को लेकर यहाँ पर भाई बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो अपना ईगल आर्जनी है उसका यहाँ पर लेवल 5 आने वाला है। तो भाई यहाँ पर फिर स्केट शॉट जो है उसका लेवल यहाँ पर देखो लेवल 3 आने वाला है। तो आप उसको यहाँ पर भाई लेवल 2 से लेवल 3 में यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर 19 मिलियन गोल्ड देना पड़ेगा। वैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास है यहाँ पर भाई सिर्फ यहाँ पर देखो इसका जो देखो यहाँ पर 8.5 मिलियन मैक्स आउट होता है। तो पता नहीं ये इतना यहाँ पर क्यों अपने को एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वैसे 10 मिलियन मतलब अपना मैक्स आउट है। तो यहां पर देना पड़ेगा 19 मिलियन गोल्ड स्केटर शॉट को लेवल 3 करने के लिए। फिर यहां पर भाई इन्फर्नो जो है जो अपना इन्फर्नो है उसको यहां पर भाई इसका जो लेवल यहां पर देखो 8 आने वाला है। तो उसको यहां पर हम 19 मिलियन गोल्ड में कर सकते हैं। मतलब लेवल 7 से लेवल 8 पर लाने के लिए हमें यहां पर 19 मिलियन गोल्ड लगेगा और मतलब इसका भी एक न्यू लेवल है। तो फिर यहां पर भाई बात कर ली जाए तो क्लैश ऑफ क्लैंस में क्लैश पैड्स आने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो भाई यहाँ पर क्लैश पैड्स यहाँ पर कन्फाइन में क्लैश पैड्स की ये बैराक है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैराक के साथ साथ मैं आपको दो पैड्स बता रहा हूँ। तो ये है भाई एक गोट की तरह कौन सा पेट है पता नहीं और ये एक रोबोटिक डॉग लग रहा है जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई जिस तरह से वो बैठा है उसके हिसाब से वो लग रहा है कि वो रोबोटिक डॉग है। तो गाइस फिर यहाँ पर बात की जाए तो क्वीन जो है अपने जो हीरोज है उनका यहाँ पर भाई लेवल्स ऐड हो गए। जैसे आप लोग को यहाँ पर पता है कि यहाँ पर क्वीन यहाँ पर भाई 75 लेवल पर मैक्स आउट थी। तो गाइस अभी यहाँ पर क्वीन 75 पर नहीं 80 लेवल पर मैक्स आउट होने वाली है। जैसे ही टाउन हॉल 14 आएगा तो उसके यहाँ पर भाई 5 लेवल्स और अप हो गए और यहाँ पर ग्रैंड वार्डन की लेवल 55 आ चुका है। तो भाई उसके भी 5 ऐड हो गए और यहाँ पर बारवेन किंग का भी 80 हो गया और यहाँ पर रॉयल चैंपियन 30 हो गया। तो भाई सबके 5-5 लेवल्स यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। और यहाँ पर भाई देखो नेक्स्ट बात की जाए तो हाइडन टेस्ला जो है अपना जो हाइडन टेस्ला है उसका यहाँ पर लेवल 13 आने वाला है जो कि हम यहाँ पर 18 मिलियन गोल्ड देकर लेवल 13 कर सकते हैं। तो आप लोग वैसे यहाँ पर भाई बताओ कि ये प्राइस कुछ ज़्यादा हो गई है या कम है या बराबर है आप लोग के हिसाब से बताओ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर यहाँ पर भाई कैनन जो है कैनन का लेवल यहाँ पर 20 आ चुका है। तो गाइस लेवल 20 हमें यहाँ पर करने के लिए हमें देना पड़ेगा 7.5 मिलियन गोल्ड सुपर सेल को। तो आप लोग यहाँ पर ये फोटोज़ देख सकते हैं मैं ऐसे ही यहाँ पर सब चीज़ों के बारे में बोलते बोलते आपको फोटोज़ भी शो कर दूंगा। और यहाँ पर बॉम्ब टावर की बात की जाए तो अपना बॉम्ब टावर कहाँ है तो बॉम्ब टावर की बात की जाए तो यहाँ पर देखो बॉम्ब टावर का यहाँ पर लेवल 9 आने वाला है और गाइस वो यहाँ पर हमें 18.5 मिलियन गोल्ड देकर हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं लेवल 8 से लेवल 9 पर। तो मतलब एक एक लेवल के यहाँ पर भाई मिलियंस ऑफ गोल्ड दे रहे हैं ये। फिर यहाँ पर भाई बात की जाए तो क्लोन स्पेल का भाई यहाँ पर आने वाला है तो क्लोन स्पेल ये है तो क्लोन स्पेल का यहाँ पर अपने को लेवल 7 मिलने वाला है और ये हम अपग्रेड कर सकते हैं लेवल 6 से लेवल 7 पर 16.5 मिलियन एलिक्सर समझे 16.5 मिलियन एलिक्सर। तो गाइस मतलब अपने पास देखो अभी अपना जो टाउन हॉल 10 है उसमें मेरे पास सिर्फ 8 मिलियन एलिक्सर है। तो आप मतलब बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपना सारे चीज़ें दाव पे लगाना पड़ेगा जब आपका टाउन हॉल 14 होगा। तो फिर यहाँ पर भाई बात की जाए तो पॉइजन स्पेल यहाँ पर भाई उसका भी यहाँ पर लेवल 8 आने वाला है। तो आप लोग को मैं बता दूँ यहाँ पर पॉइजन स्पेल का लेवल 8 में हम अपग्रेड करने के लिए हमें यहाँ पर 3 लाख जो डार्क एलिक्सर है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई 3 लाख डार्क एलिक्सर वाह मतलब मेरे स्टोरेज भी यहाँ पर भाई पूरा फुल नहीं है 3 लाख का। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं पॉइजन स्पेल को यहाँ पर लेवल 8 करने के लिए 3 लाख यहाँ पर डार्क एलिक्सर दें। फिर भाई यहाँ पर बात की जाए तो बिल्डर बेस के बारे में तो गाइस यहाँ पर क्लैश ऑफ क्लैंस में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके अंदर जो अपना बिल्डर बेस है सॉरी बिल्डर हट जो है तो बिल्डर बेस बोल रहा था गलती से कुछ भी बोल रहा हूँ पता नहीं। तो गाइस यहाँ पर जो अपना बिल्डर हट है उसके अंदर यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। तो गाइस आपको यहाँ पर देखने को ऐसे मिलेगा कि यहाँ पर जो अपना बिल्डर हट है उसको यहाँ पर भाई मतलब वो उसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं। जैसे अपना टाउन हॉल 14 है वो एक मतलब जंगल का रूप लग रहा है उसके हिसाब से। तो गाइस यहाँ पर मतलब पूरा जंगल जंगल हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे रॉक क्वीन किंग
14, तो ऊपर से फिर टाउन हॉल 14 एकदम जंगल जैसा है। तो गाइस यहाँ पर कुछ मैजिकल हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि बिल्डर हट के अंदर कुछ चेंजेस हो गए। जैसे यहाँ पर अगर आप किसी टाउन हॉल 14 के बेस पर अटैक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बिल्डर हट्स है वो यहाँ पर कभी डिफेंस का रूप ले लेंगे या तो फिर कभी ले लेंगे ऐसे यहाँ पर रिसोर्सेस के इसके उसके। तो मतलब वो अपना रूप चेंज यहाँ पर कर सकते हैं, वो अपना जो लुक है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको मतलब मैजिक से वो बदल सकते हैं अपने भेस को यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर बहुत ही सही अपडेट आया है इस बार। तो फिर यहाँ पर बात की जाए तो क्लाइंट कैस्टल लेवल यहाँ पर 10 आने वाला है और जिसको यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए 19 मिलियन गोल्ड देना पड़ेगा। तो क्लाइंट कैस्टल का यहाँ पर लेवल 10 भी आ गया। और यहाँ पर आपको बता दूँ तो यहाँ पर देखो अभी तो मेरे पास लेवल 11 की वॉल्स है, तो यहाँ पर टाउन हॉल 14 की वॉल्स भी आ गई हैं। तो गाइस यहाँ पर फिर टाउन हॉल 14 अपग्रेड प्राइस यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। तो अभी तो यहाँ पर टाउन हॉल 11 करने के लिए हमें यहाँ पर देखो 3.5 मिलियन गोल्ड इनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई टाउन हॉल 14 करने के लिए आपको यहाँ पर भाई 16 मिलियन गोल्ड यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बात की जाए तो ट्रूप्स के यहाँ न्यू लेवल्स आए हैं। तो बारबेरियन का यहाँ पर आया है लेवल 10 और वॉर ब्रेकर का आया है लेवल 10, आर्चर का भी यहाँ पर लेवल 10। तो गाइस यहाँ पर फिर सुपर ट्रूप्स की बात की जाए तो यहाँ पर सुपर वॉल्केरी जो है वो अभी यहाँ पर अवेलेबल होगी लेवल 9 पर, फिर सुपर मिनियन अवेलेबल होगा लेवल 10 पर, फिर सुपर आर्चर यहाँ पर अवेलेबल होगी 10 पर, फिर बारबेरियन यहाँ पर सुपर बारबेरियन अवेलेबल होगा यहाँ पर 10 पर, इन्फर्नो ड्रैगन यहाँ पर लेवल 8 पर। तो गाइस यहाँ पर जो सुपर ट्रूप्स है उनका जो रिक्वायर्ड लेवल है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। जैसे यहाँ पर वो पहले बोलते थे तुम्हारा ट्रूप का ये लेवल होगा तो तुम उसको गोल्ड यहाँ पर डार्क एलिक्सर देके ये ट्रूप से इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकते थे अगर आपका ये लेवल होगा ये ट्रूप का। तो ऐसे नहीं है जैसे यहाँ पर मैं वो बता रहा हूँ, तो तुम लोग को कन्फ्यूज हो रहा होगा, ठीक से बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखो अपना जो गोब्लिन है उसको यहाँ पर अपने को सुपर गोब्लिन बनाने के लिए लेवल 8 का यहाँ पर गोब्लिन चाहिए, तो यहाँ पर अपने पास तो नहीं है। तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि तुम्हारे ट्रूप्स यहाँ पर भाई लेवल 10 के होने चाहिए, तो समझे मतलब लेवल 10 के होने चाहिए तभी जाके हम ये सुपर ट्रूप्स अवेलेबल यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइस मतलब अभी यहाँ पर बहुत चेंजेस हो गए, क्लैश ऑफ क्लैंस पहले से ज़्यादा यहाँ पर हार्ड हो चुका है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर ऐसा अपडेट आने वाला है जिसके अंदर यहाँ पर आप तो भाई इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो ज़्यादा बड़ी बन रही है, आप लोग यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो गाइस वैसे आपने यहाँ पर क्लैश पेट्स की वीडियो भी चेक नहीं की तो वो भी ज़रूर कर लेना, उसका भी लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो गाइस इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है ये सब कुछ कन्फर्म है और भाई कोई चीज़ इसमें फेक नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बैकग्राउंड सीनरी आने वाली है तो और बहुत ही शानदार। तो गाइस ये सिर्फ था स्नेक पिक 2, तो स्नेक पिक 3 भी आने वाला है, तो आप लोग तैयार रहना, जिसके अंदर यहाँ पर शायद हमें यहाँ पर मे सीजन की स्किन भी पता लग जाए तो बहुत कुछ पता लग सकता है। तो गाइस मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द क्लैश ऑन फायर।